माँ पार्वती, आप प्रभु के बारे में ऐसा कैसे कह रही हैं? और क्यों? ये भी एक रीति होती है गरुड़। नंदे और भाभियाँ नववधु से उपहास करती हैं ताकि उसे ससुराल में हिचकिचाहट ना हो और वो अपने मन की बात सबके सामने रख पाए। श्याम रंग तो कस्तूरी का भी होता है सखी, जिसे हम मस्तक में धारण करते। मेघ भी तब वर्षा करता है जब उनका रंग श्याम हो। और एक बात तो भूल गई सखी, सबसे विशेष कमल का रंग भी श्याम है। और गालों की लाली का क्या कहें, लाल तो कौवे की जीभ भी होती है पर वो हमेशा बोलता है कर्कश स्वर में। इसलिए ये नील अनमोल है। बस ऐसे ही एक दूसरे का पक्ष लेते रहिए, एक दूसरे का साथ देते रहिए। चलिए ये रीति भी पूरी हो गई, अब प्रथम रसोई की रीति भी कर लेते हैं। अभी लाइए। माँ, मैं भी चलती हूँ आपके साथ, आपकी सहायता करने। विंता, ये कैसे संभव है? ये मेरी पहली रसोई की रीति है, तुम भोजन कैसे पकाओगी? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मुझे भोजन पकाना आता ही नहीं? नहीं नहीं माँ, मेरे कहने का अर्थ ये नहीं था, मैं तो बस आपकी सहायता करना चाहती हूँ। विंता, तुमने अनगिनत बार हम सबको भोग लगाया है, आज पहली बार मुझे ये अवसर मिला कि मैं तुम्हें कुछ खिला सकूं। तुम ही बताओ, मैं ये अवसर ऐसे व्यर्थ कैसे जाने दूं? माँ लक्ष्मी रसोई में कार्य करके पकवान बनाए और मैं उन्हें ग्रहण करूं, जो कभी स्वप्न में भी नहीं देखा था, जिसकी कल्पना भी नहीं की थी, वो सत्य हो रहा है गरुड़। भगवान को भोग लगाकर जब मन को इतनी प्रसन्नता मिलती है तो उनके हाथों से भोग खाकर तो ये जीवन तृप्त हो जाएगा पुत्र। ये लीजिए स्वामी, अपनी पहली रसोई की रीति में मैंने मखाने की खीर बनाई। सब खा क्यों नहीं रहे? जब भक्त भगवान को खिलाए बिना स्वयं नहीं खाता तो हम अपने भक्तों को खिलाए बिना कैसे खा सकते? खाइए देवी। अपने प्रिय के हाथों से बनी खीर खाने के लिए और कितनी प्रतीक्षा करवाएंगी आप मुझसे? यदि बड़ी माँ यहाँ होती तो देखती कि मेरी माँ किस सम्मान के योग्य है। संभव है तभी उन्हें आभास हो पाता
कि वो माँ के साथ अत्याचार करके कितना बड़ा पाप कर रही है। वैसे तो इस संसार में जो भी धन है वो आपका ही है और आपसे ही है, परंतु ये रीति है, पहली रसोई के बाद नेक की प्रक्रिया आवश्यक है। इसीलिए हमारे परिवार की ओर से ये भेंट स्वीकार कीजिए। जन कल्याण का साक्षात स्वरूप है आप दोनों, आप सदैव जन कल्याण करते रहिए, यही हमारा आशीर्वाद है और हमारा उपहार भी। प्रभु, देवी लक्ष्मी, ये मेरी और देवताओं की ओर से आपके लिए छोटी सी भेंट। मैं प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी को क्या भेंट दूं? अब हमें प्रस्थान की आज्ञा दीजिए। हम दोनों तो दास हैं, हम आपको क्या दे सकते हैं भला? तुम दोनों ने हमें पहले ही उपहार दे दिया है, अपनी भक्ति का उपहार। यदि भक्त की भक्ति ना हो तो भगवान भी भगवान नहीं हो सकते। अब आज्ञा दीजिए प्रभु, ताकि महारानी के महल लौटने से पहले मैं वापस पहुंच सकूं। देवी विंता, आपकी कर्तव्य निष्ठ सत्य ही अद्भुत, प्रस्थान कीजिए। मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? तुम्हारा संदेश सही था गर, असुरों ने मंथन का प्रयास इसलिए किया था ताकि वे अमृत को अकेले ही पा सके, किंतु वह विफल हुए, इसलिए अब उनकी इच्छा और भी तीव्र हो गई है और वह अमृत को चुराने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। अब यह हमारा दायित्व है गर, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि अमृत अयोग्य के हाथों में ना जाए। ऐसा ही होगा प्रभु, अमृत उसे ही मिलेगा जिसे आप चाहेंगे। देवताओं, पूरा बल लगा दो। असुरों, रक्त का एक एक कण छोड़ दो, क्योंकि अब निकलेगा अमृत। ये दुर्गंध कैसे? ये कैसी दुर्गंध है देवराज?
ये क्या पदार्थ है? ये क्या लीला है प्रभु? इस पर तो केवल हम असुरों का ही अधिकार होगा। असुरो, ये अमृत नहीं है, वारुणी है। जिसे लेने में हम देवताओं को कोई रुचि नहीं है, असुर उसे आनंद से ले सकते हैं। क्यों देवताओं? सत्य कहा देवराज? देखिए प्रभु, देवताओं ने अपनी सूझबूझ से इस समस्या को टाल दिया। आपने सही कहा लक्ष्मी, ये उनके सात्विक गुण है, किंतु असुर अपने तामसिक अवगुण के कारण समस्या को स्वयं ही निमंत्रण दे रहे हैं। सारा पान तू अकेला कर जाएगा और हम मुंह देखते रहेंगे। ला असुरो, आपस में कलेश करने का कोई लाभ नहीं होगा। सुना नहीं तुम सबने? महाराज बलि का भी आदेश नहीं मान रहे, ये वस्तु क्या है? प्रभु, ये कौन सी वस्तु है जिसने असुरों को भी उन्मत्त कर दिया है? ये वारुणी है गरुड़, मदिरा, संसार के सबसे आकर्षक, सबसे नशीले द्रव्य अर्थात पेय पदार्थों में से एक है। व्यक्ति के मन की सभी दुविधाओं, सारी हिचक को दूर करता है। ये संसार के सभी कष्टों और कठिनाइयों को भुला देता है। जो भी इसका पान करता है उसे परम आनंद की अनुभूति कराता है ये द्रव्य। प्रभु, यदि ये द्रव्य इतना आकर्षक है तो फिर देवताओं ने इसकी एक भी बूंद पाने में तनिक भी रुचि क्यों नहीं ली? ऐसा इसलिए शेष, क्योंकि एक बार जिसने भक्ति के आनंद का आभास किया हो उसे परमानंद के लिए मदिरा जैसे इंद्रियों को शिथिल करने वाले और विवेक का नाश करने वाले मादक पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती। संसार में ऐसा भी कुछ है जो असुरों को अमृत में बुला दे? ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था। वहां मदिरा के अतिरिक्त एक और ऐसी मादक वस्तु है जिसे देखते ही दानवों के साथ साथ देव भी अपना सद्बुद्ध खो जाते हैं। जो देवताओं को भी अपने प्रभाव में ले ले, वो वस्तु तो मदिरा से भी अधिक मादक हुई। माँ, मदिरा से भी अधिक मद भरी ऐसी कौन सी वस्तु हो सकती है? माँ, प्रभु इस विषय में आपसे अधिक कौन अच्छे से समझा पाएगा, क्योंकि आने वाले समय में आप मोहिनी अवतार धारण करने वाले हैं। वो वस्तु है स्त्री की आंखें। शेष गरुड़, हर सफल पुरुष के पीछे किसी न किसी स्त्री का योगदान अवश्य होता है। स्त्री की शक्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यदि स्त्री चाहे
तो पुरुष अपने उद्देश्य पर ऐसे ध्यान केंद्रित कर सकता कि वो कभी भटकता नहीं, और यदि स्त्री चाहे तो पलक झपकते ही पुरुष अपने लक्ष्य को भूल कर उसकी मद भरी आंखों में खो सकता। गुजराओ, तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? तुम्हें अपना ध्यान केवल मंथन पर केंद्रित रखना है। अमृत ही तुम्हारा एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए राहुल। ये मदिरा वो जाल है जो तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकाएगा। जब अमृत प्रकट होगा तुम दोनों केवल उसे देखोगे, उसे सोचोगे, उसी का ही विचार करोगे। अपनी पांचों इंद्रियां केवल अमृत पर केंद्रित करोगे। यदि तुम इस योजना में असफल हुए तो हमारी योजना भी असफल हो जाएगी। स्मरण रखना, यदि हम अमृत हार गए तो सब कुछ हार जाएंगे। अपनी महत्वाकांक्षा, अपना स्वप्न, अपना साम्राज्य समझो। हम समझ गए महाराज। अब आप जो कहेंगे महाराज बस वही होगा। चलो, लगता है इस बार अमृत निकलेगा। समृत पर मेरे पुत्रों का ही हक है, और उसे पाने से मेरे पुत्रों को अब विष्णु भी नहीं रोक पाएगा। देवराज, अमृत के आने पर इस प्रकार का प्रलय संभव नहीं। महाराज, इसका तेज असहनीय है, क्या हो सकता है? आखिर ये क्या वस्तु है जिसके प्रकाश से सभी विचलित हैं? हे प्रभु, मंथन से निकली ये वस्तु पूरे संसार में प्रलय ला रही है। इसे धारण करने वाले पक्ष कौन होगा, देवता या असुर?